देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। संघर्ष से नहीं होगा सिटी का विकास। शहर का पालक मंत्री होने के नाते जब कोरोना से लड़ने की बारी आई तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मिलकर इसका मुकाबला किया गया। विकास में या आपातकाल में राजनीति करना ठीक नहीं। जब सिटी के संकल्प की बात हो तो आगे भी बढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर मुझे निशाना बनाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है और जरूरत पड़ी तो आगे भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र के साथ नागपुर भी कोरोना के दुष्प्रभाव से अछूता नहीं है। पहले 3 महीने तक जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था तब कोई भी राजनेता सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस समय सिर्फ और सिर्फ पुलिस, महानगर पालिका, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अफसर ही सड़क पर उतरे थे। उन्होंने ही पूरे हालात को संभाला। पालक मंत्री होने के नाते जो फीडबैक लेना था वह मैंने किया, लेकिन असली हीरो तो सरकारी अफसर ही रहे। उन्होंने ही इस महामारी से झुंझारू योद्धा के तरीके से लड़ाई लड़ी। ऐसे अफसरों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे को बीजेपी द्वारा निशाना बनाए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए राउत ने कहा कि जब तक मनपा की महासभा में उनको टारगेट नहीं किया गया था उससे पहले और बाद का असर साफ दिखाई देता है। निगमायुक्त को टारगेट करने से प्रशासन में निराशा आई और इससे भी कोरोना को बढ़ने में मदद मिली। तो वही कॉमेडियन अग्रिमा मामले में कानूनी राय ली जाएंगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ के खिलाफ दर्ज मामले में स्टैंडिंग कमेटी से कानूनी राय ली जाएंगी। अगर वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने की दोषी पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अग्रिमा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।